उसमें क्या कहाँ सर हो रहा हो रहा वो वाले ना वो वाले अच्छा यही यही देते हैं हाँ रुक जाओ फिर मैं भी आता हूँ अब आ गया तो पहले वहाँ मंदिर से जाओ रुको मैं पहले इनको पूछूंगा मैं कि आप मुझे क्या दे देंगे क्या दे देंगे तो उसके हिसाब से मैं तो सोच के आता हूँ सर आप मांगो पहले आप मांग के आओ इनको देना भगवान फिर जो बसा खुसा सब मेरे को दे देना बस सुख शांति दो सबको और बाकी धन दौलत सब मेरे को दे देना ऐसा ना अपने लिए मत मांगना किसी और के लिए मांगो हमारे पास दे रखा बहुत है हाँ। है ना एक मेरे को देके क्या करो और के पास होगा तो फायदा क्या है नहीं मेरे को ही मेरे को दे दे तो फायदा क्या है सबको दो ताकि तभी तो समाज बनेगा बिल्कुल मैं बोलने से नहीं होगा हम बोलने से होगा ना मैं बोलने से तो मेरे लिए करोगे क्या फायदा मैं तो फिर गड़बड़ है हमको दो सबको अच्छा यहाँ पर भी इसके बारे में बताइए थोड़ा सा ये जो ये अपने पीछे हैं और ये पेड़ कितना पुराना होगा कितना बहुत पुराना है ना ये बाबा 1500 पीछे कर में वृंदावन से यहाँ पेड़ के नीचे आए थे और यहाँ पर तपस्या की थी इन्होंने और अपना खाने पीने का साधन एक संघ बजाते थे शाम को एक गऊ जंगल से आके दूध दिया करते थे अच्छा गऊ हाँ गाय यहाँ पर दूध देती हाँ एक कम दिनों में आया थी और उसी का दूध पीते थे और वालों को भी पिलाते थे अच्छा 75 साल तपस्या की बाबा ने 75 साल तपस्या की बहुत अच्छा बढ़िया और जहाँ मंदिर बना हुआ है वहाँ पर बाबा की समाधि है वहाँ पर समाधि लिया था इन्हीं बाबा की समाधि है हाँ कार्तिक शुक्ल पक्ष की याद को देवखंड याद को लिया था बाबा ने समाधि इधर आ रहे बाबा जी के जी के साथ उधर नहीं उधर बढ़िया बढ़िया आपने बहुत अच्छी जानकारी दी अब मैं इसको अपने ग्रुप में सारे बताऊंगा ना लोगों को हम यहाँ पर आए थे कम से कम 600 आदमी बताना बताना और आज सब चले गए लेकिन हमने जो हमारे साथ ना वो ये लड़की है
अब थोड़ी थकान हो गई है, सारा घूम दिया वृंदावन। और अब वापसी का रास्ता कैसा लगा आपको? ये मेरा भ्रमण कैसा, मेरा जो दिखाया वृंदावन हमारी देव भूमि। तो खैर मैं तो देव भूमि का रहने वाला, लेकिन ये भी राजस्थान है, वीरों की और देवों की भूमि है। यहाँ की कलाकारी अपने आप में एक अलग स्थान है उसका। और यहाँ पर देखो, हालांकि गर्म है अभी, देखो अक्टूबर का महीना है, बहुत गर्मी है यहाँ पर। थकान भी होगी, हवा तो चल रही है,